A very good afternoon to one and all. We are grateful to you all for your presence today. Department of Zoology, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya feels extremely grateful to you all for participating in this seminar, which is titled COVID-19 Emergence, Trajectory, Impact and Response. We will not go through the things which we already know. It is not a cliched seminar or webinar. We'll go right from its emergence, from its trajectory, from its impact and response, which we'll be dealing through our esteemed panel of guest speakers, and if I may say so, from the depth of my heart, they are not the guest speakers, but they are the frontline COVID warriors who have done our not only our city, our nation proud, working right from the day one and continuously going on working without even worrying about your own health, your own life. So hats off to you. A very grateful nation salutes you. So we begin with the day when the first case of pneumonia was reported in Wuhan, the city of China. And that virus which overtook us, it really hit us like a tornado, and it affected our lives, basically changing everything about it, not only causing health concerns, losing lives, precious family relations, sociologically, socially, economically. It has devastated practically everything. But since you are the warriors, you took pains in overcoming this virus through all your wonderful efforts. So I begin with saluting you, and we'll be in our future, this progress of the webinar, we have our very esteemed guest speakers, Dr. Rashmi Dwivedi, who's again MD, and she's MBBS MD Pediatrics. Dr. Pradeep Chaure, he's also MBBS MS. Dr. Amita Singh, who's also a well-known, in fact, internationally known figure on food and nutrition. So before we begin our venture, I would request our principal, our very motivating principal, Dr. Mahendra Singh, to please say a few words about the seminar. कुछ हमारे हम लोगों को जो एक प्रोत्साहित करते हैं लगातार, आपसे अनुरोध है कि कृपया दो शब्द देकर हमें अनुग्रहित करें. डॉक्टर महेंद्र सिंह. सभी को नमस्कार. आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं पर COVID-19 से संबंधित है, और इसमें जो हमारे दो बहुत बड़े डॉक्टर और एक वेरी रिनोन्ड न्यूट्रिशियन डॉक्टर सिंह मैडम जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे स्टाफ को और बच्चों को बहुत प्रॉफिट होगा. एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आता है और लोगों की जैसे, कि ये कोविड जो है, कोविड के बारे में मैं तीनों लोगों से ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड के बारे में बहुत तरह तरह की चीजें मीडिया में, चर्चा में और आती हैं. वो कई लोग ऐसे लोग हमें कमेंट करते हैं, गाइड करते हैं या एडमिनिस्टर करने का प्रयास करते हैं कि जिनको इसके बारे में साइंटिफिक कितना नॉलेज है हम नहीं कह सकते हैं. यदि हमें कोई डॉक्टर बताता है, कोई इस फील्ड का बंदा बताता है, तो हम समझते हैं. तो मेरा अनुरोध केवल ये है कि आप हमें ये बताइएगा कि कोविड अभी है कि नहीं है, कि हम कब कैसे आगे हम अपनी लाइफ को वो करें,
क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऐसा बैठा दिया गया है कि अभी ये डेल्टा आएगा, फिर गामा आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर बच्चों के लिए, फिर गर्भवती महिलाओं के लिए, समथिंग कुछ बहुत ज्यादा ही एक बनाया गया है, हवा बनाया गया है। तो जो मेरे रिनॉन्ड स्पीकर से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें एक देखो सही लाइन हमें बताएंगे, हम साइंस के लोग हैं, हम उनकी बातों को बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे। इस संबंध में थोड़ा मेरा सा ज्ञान था कहीं से पढ़ करके, संबंध जो मैंने सीखा था वो ये था कि जब आबादी को 70 से 75% तक उनका इम्यून पावर बढ़ जाता है, आइदर बाय कोरोना पेशेंट होने के कारण या तो वैक्सीनेशन के कारण, उसके बाद सोसाइटी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसके बाद कोरोना ऑटोमेटिकली चला जाता है और उसको बाद में आने के चांसेस बिल्कुल खत्म ही होते हैं। मैं जो समझता हूँ कि दिस इज साइंटिफिक वे, साइंटिफिक ये है जो मेरा ज्ञान है, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छे स्पीकर्स लाए हैं और काफी लोग जुड़े भी हैं, 96 की संख्या एक अच्छी मानी जाती है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग आपके इससे एडवांटेज लेंगे और यदि आपके पास में कुछ मटेरियल होगा, PPT वगैरह आप शेयर करना में देना चाहेंगे तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल एंड रेखा मैडम प्लीज गो फॉरवर्ड। थैंक यू सर, डॉक्टर महेंद्र सिंह, यू हैव बीन अ मोटिवेटर थ्रू एंड थ्रू, कोटिंग महात्मा गांधी जी, बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, व्हाट आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स आर डूइंग नाउ। बिफोर वी बिगिन विद अ सेमिनार, आई वुड रिक्वेस्ट आवर कन्वीनर डॉक्टर अलका तिवारी to please give a brief about sub themes of our webinar, and before that I would again like to congratulate each one of you. We have crossed 300 marks of registration and now those who want to join can join through FB link and later on it will be uploaded on YouTube and you will be provided with e-certificates. Thank you. Good afternoon, everyone. I welcome you all in the webinar, COVID-19, Emergence, Trajectory, Impact and Response. Coronavirus pandemic has created an unprecedented loss and disruption all across the world. From developed to developing, no country has been spared from its burst. Its impact has been everywhere, from health, migrants, job losses, poverty, environment, and so forth. As well, lack of awareness among communities further expanded the situation, reversing many positive gains in sustainable development. Let's talk about the health crisis in India only. Shortage of doctors, health equipment, beds, even in the developed areas of the country were a major concern. In specific, past year and a half, that includes second wave, taught us resilience, gratitude, and solidarity. So today, our speakers will try and make sincere effort on how we can improve the situation and how third wave can be averted. As I was reading a piece of news that the third wave could bring a challenge of 6 lakh cases per day, which can put the country in a very difficult situation. Most important way to curb the situation is vaccination. Now, vaccination is going on a very good rate in India. Still, there are many people, communities who haven't got their first jabs done. The reason for this could be because of unawareness, confusion, availability issues, or maybe fear of after effects of vaccine. Today, our eminent speakers will discuss on vaccination efficacy and its effects. According to news, Americans think that wearing a mask represents living in fear, so they do not favor this. So is the lockdown, which is absolutely wrong. Social distancing, mask, and targeted lockdowns were the only remedies which helped in controlling the situation. Today, our eminent speakers will discuss in detail about pandemic, after effects, care, and precautions. We have experienced the effect of virus on respiratory system, causing severe damage to lungs and the dreaded black fungus.
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कवर्ड बाय आवर स्पीकर टुडे विल बी द न्यूट्रिशन इन आवर डेली लाइव्स, दैट इज पोस्ट कोविड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइव्स टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम. प्रॉपर न्यूट्रिशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ, विच कैन सेव अस फ्रॉम डिप्रेशन कॉज बाय द पैंडमिक. Our eminent speakers are well-known authorities. They are well-known authorities in their respective fields. Their knowledge will definitely help us in our daily lives in the pandemic period. On behalf of the organizing committee, I once again welcome our respected speakers, Dr. Rashmi Dwivedi, Dr. Pradeep Chaure, Dr. Amita Singh. Now, I will hand over the mic to Rekha for further proceedings. Thank you so much. Thank you, Dr. Alka. Now, before we start wasting our time, I know your time is very precious. Again, welcoming you. We begin with our guest of honor, the frontline corona warrior, Dr. Rashmi Dwivedi, MBBS, MD Pediatrics, ex-professor and head Department of Pediatrics, Gandhi Medical College, Bhopal. She was working there for more than about, I think, 30 years. Presently, professor and HOD, Department of Pediatrics, LN Medical College, Bhopal. Adolescent consultant, ex-coordinator, State Adolescent Center. Involved in social welfare programs, participated in national conferences, presented papers as eminent pediatric faculty, a mentor, a counselor, working diligently in COVID times, and for me, a very special place because she's an alumni of St. Joseph's Convent and illustrious school. I request Dr. Rashmi to please begin your presentation. सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू. यहाँ पर एक सेंचुरी हो गई है आप लोगों को ज्वाइन करे हुए. जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स आर रजिस्टर्ड. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो फॉर शोइंग दिस मच ऑफ इंटरेस्ट इन कोविड-19. जैसा कि डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बोला, मेरे ख्याल से मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो मिक्स्ड प्रेजेंटेशन है. कुछ पहले की बातें, जैसा मैंने उसको बोला, पास्ट, प्रेजेंट एंड द थर्ड वेव. तो कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो आधारित हैं ऑन द रिसर्च एंड द अपडेट टिल डेट, एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर व्हाटएवर योर क्वेरीज मे बी.